हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, विच आर वेरी मच रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, जिनको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? और मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि बाकी चैप्टर्स को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी चैप्टर्स को भी आपने पढ़ना है, बट जो चैप्टर मैं आज आपको लिस्ट करूंगा इनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ट्रस्ट में डीटी और कस्टम का जो आपका प्रेशर है वो एकदम से रिलीज हो जाएगा, ठीक है? नंबर टू, जो भी मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ रिलेटेड टू डीटी एंड कस्टम्स, मैं इन सब की रिविजन ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है? आई एम वेरी श्योर अगर आपने देख ली होंगी तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। जिन्होंने नहीं देखी वो रिविजन क्लास जरूर देख लेंगे जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। नंबर टू, नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे चैप्टर्स का मैं लूंगा मंडे को टेस्ट, यानी कि आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे दो दिन आपके पास हैं। इन सभी चैप्टर्स को थॉरली पढ़िएगा और मुझे मंडे को आप दीजिएगा टेस्ट, और वो टेस्ट अगेन आपको YouTube के ऊपर ही लिंक मिलेगा, ठीक है? और अगर आपने इसको शिद्दत से पढ़कर टेस्ट दे दिया तो ट्रस्ट मी आपका इतना बड़ा प्रेशर रिलीज हो जाएगा फ्रॉम योर एडवांस टैक्स, क्योंकि GST बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया है एंड आई सिंपली लव इट कि आपने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया, आपने जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया, एंड सिमिलरली एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया। तो आई वॉन्ट कि अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट कर लेते हो तो आपका पेपर जो है बहुत ईजी हो जाएगा टू क्रैक, ठीक है? ठीक है सर, अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं प्लीज मार्क कर लेंगे जरा। जब मैं बात करता हूँ अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस तो आप बेशक से इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। एक तो मैट, ठीक है ना, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, AMT, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, डिविडेंड, बायबैक, AOP BOI, असेसमेंट ऑफ फर्म्स, टैक्स प्लानिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, DTAA, स्लम सेल, गार प्रोविजन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अब बच्चा कहता है सर ये तो बहुत सारे चैप्टर हैं। अरे सबको मालूम है जिन्होंने क्लासेस ढंग से पढ़ी हैं, ये सारे चैप्टर अगर आपने एक बार ही पढ़े थे तो इनको रिवाइज करने में मैक्सिमम 15-20 मिनट लगेंगे पर चैप्टर। मैं फिर भी चलो मान के चलता हूँ कि आप भूल गए होगे, तो फिर भी मैं मान के चलता हूँ 6 to 7 hours के अंदर आप ये पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स इजिली वाइंड अप कर सकते हो, वेरी इजिली, ठीक है? प्लस आप लोगों को ओल्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दो चैप्टर और जोड़ने हैं, एडवांस टैक्स और एडवांस रूलिंग, ठीक है ना, और एक इसमें टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, ये ओल्ड सिलेबस वालों को इसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है? ठीक है सर। और कस्टम्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक एवेल्युएशन, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, बैगेज डेफिनेशन, रेलेवेंट डेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, मोस्ट रेलेवेंट, ठीक है ना, ये आप कर लीजिए, ठीक है? और अगर जब आपको लगेगा कि सर ये अब बहुत अच्छे से हो गए हैं तो मैं एक सेकेंड लिस्ट बनाऊंगा जिसको हम सेकेंड इंपॉर्टेंस लिस्ट में डालेंगे, जिसको आपने सिर्फ एक जस्ट यू नो ग्लिम्स ओवरव्यू, ताकि अगर कुछ आए तो ये ना हो कि हमारा पेपर हम छोड़ दें, ठीक है? सो आई एम वेरी श्योर ये आप करेंगे। परसों मंडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? और टेस्ट जो होगा दैट विल बी इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। सो आपके पास आज का दिन अभी पूरा बचा हुआ है, कल का दिन भी है, मंडे को भी आपको हाफ डे मिलेगा, एंड आई एम वेरी श्योर ये सारा कुछ आप इजिली कर सकते हो। और अगर आपने करा तो समझ लीजिएगा कि एडवांस टैक्स का प्रेशर आपका ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है जी? ठीक है सर, ओके। और अभी जो मैंने परसों टेस्ट लिया था उसमें कुछ बच्चों ने मुझे डाउट्स रेज करे थे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर मैंने भेजा है उसमें उनको दिक्कत आ रही है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो गलत है, गलत प्रिंट हुआ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि क्वेश्चन का पार्ट 1 ही गलत था। तो मैं एक बार ही क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 में था, प्रेम इज रनिंग कंसल्टिंग फर्म एंड आल्सो अ फैंसी स्टोर रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन नंबर। फैंसी स्टोर का जो टर्नओवर था दैट वाज 1 crore 15 lakh एंड रिसिप्ट फ्रॉम द कंसल्टेंसी वाज 10 लाख रुपए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपको प्रोवाइड करना था आंसर विद द एक्सप्लेनेटरी नोट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम है या नहीं। तो आई होप सो एलिजिबिलिटी के लिए तो खाली टर्नओवर देखनी थी, और टर्नओवर को जब हम टोटल करेंगे तो वो डेफिनेटली 1.5 crore के अंदर आ रही थी। आंसर वाज यस, ठीक है। हाँ, इसमें अगर वो ये पूछता कि बताओ वो कितना मार्जिनल सर्विसेज दे सकता है, तो फिर हम लोग प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(1) लगा कर लिख देते 5 lakh और 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर व्हिच एवर इज हायर, ठीक है ना?
बट क्योंकि सिर्फ इसने ये पूछा था कि whether he is eligible for the composition or not, answer is yes. Why? Because the aggregate turnover do not exceed 1.5 crore. तो इसके लिए ये वाला आंसर जो है वो appropriate नहीं है बच्चे, ठीक है? और अगर वो ये पूछता कि कितना वो सर्विसेज दे सकता है, मार्जिनल सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट, तब वो आंसर हमने लिखना है कौन सा वाला, एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 10(1) 5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर व्हिच एवर इज हायर. वो तभी लिखना है जब वो हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? अदरवाइज अगर वो सिर्फ हमें प्रीसीडिंग ईयर का डाटा दे रहा है तो टर्नओवर को आप टोटल कर लीजिए, अगर उसका एग्रीगेट अप टू कितना है 1.5 करोड़ रुपए, तो आंसर इज यस, ही इज एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम. क्लियर है? चलिए, आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल डन नाउ. तो परसों आपके साथ मिलते हैं दोबारा से बढ़िया से टेस्ट के साथ, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो टेस्ट आपको देने के बाद बहुत रिलीफ मिलने वाला है और आपका एडवांस टैक्स का प्रेशर काफी हद तक खत्म हो जाएगा. ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. जितने चैप्टर मैंने कहे वो करने ही करने हैं विदाउट एनी इफ एंड बट्स. ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच.